हेलो फ्रेंड, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल प्रियेश मेडिसिन नॉलेज टिप्स में, जहां आप पाते हैं दवाइयों तथा हेल्थ संबंधित संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ओन क्लेप 625 एमजी टैबलेट के बारे में। बात करेंगे ओन क्लेप 625 एमजी टैबलेट की कंपोजिशन क्या है, इसकी प्राइस क्या है, इसके बेनिफिट क्या है, इसकी साइड इफेक्ट क्या है, इसकी प्रिकॉशन और डोज क्या है, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप इस वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ताकि मैं जब भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बात करने वाले हैं ओन क्लेप 625 एमजी टैबलेट के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं ओन क्लेप 625 एमजी टैबलेट का कंपोजिशन क्या है, और उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में। ओन क्लेप 625 एमजी में जो सॉल्ट मिला होता है वो बेसिकली दो प्रकार की सॉल्ट होता है, जिसमें से अगर पहली मेडिसिन की हम बात करें तो वो होता है एमोक्सिसिलिन, जो कि 500 एमजी में होता है, तथा तो दूसरी मेडिसिन की बात करें तो वो होता है पोटेशियम क्लाविनिक एसिड, जो कि 125 एमजी में होता है। इस तरह से दो दवाओं के कंपोजिशन से मिलकर ओन क्लेप 625 एमजी बना है। अगर बात करें हम इसकी प्राइस की, तो इसके एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट आता है, और इसके 10 गोली की बात करें तो होता है 205 रुपया, जो आपको किसी भी मेडिकल केमिस्ट शॉप पे मिल जाएगा। अगर बात करें हम इसकी कंपनी की, तो इसको अल्केम लूपिन कंपनी द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक बहुत ही शानदार कंपनी है। ये शेड्यूल एच ड्रग प्रिस्क्रिप्शन दवा होता है, तो जब भी आप इस दवा को परचेज करते हैं तो आपको डॉक्टर की पर्ची की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ही आपको यह दवा मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं हम इसके यूजेस के बारे में, कि आखिर इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ और किन किन जगहों पर किया जाता है। बात करें हम इसके इस्तेमाल के बारे में, तो ये टैबलेट एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, और एंटीबायोटिक का मुख्य काम होता है किसी भी प्रकार से शरीर में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है या बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है तो उसको किल करने के लिए, यानी आपको बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो गया है तो उसे ख़त्म करने के लिए आप इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए जानते हैं किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग करते हैं। और बात करें हम किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग करते हैं, तो सबसे पहले आरटीआई इन्फेक्शन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आरटीआई इन्फेक्शन मतलब रेस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, आपको सांस लेने में कोई भी प्रकार की दिक्कत हो रही है, घबराहट हो रहा है, सांस फूल रहा है, तो उस कंडीशन में आप इस दवा को ले सकते हैं। अगर दूसरे यूज की बात करें तो यूटीआई इन्फेक्शन में इसको ले सकते हैं, मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि हमारे पेशाब और मूत्र मार्ग में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, साथ ही साथ जलन होता है, तो दर्द और जलन को ठीक करने के लिए आप इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात करें हम इसके अगले प्रयोग के बारे में, तो किसी को निमोनिया है, निमोनिया जैसा लक्षण है, या उसको निमोनिया के कारण बहुत ज़्यादा कफ जम गया है, तो उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। निमोनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे सीने में या छाती में बहुत ज़्यादा बलगम जम जाता है और हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, तो इस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको ड्राई कफ हो रहा है, मतलब सूखी खांसी आ रही है या बलगम वाली खांसी आ रही है, तो दोनों कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें इसके अगले प्रयोग के बारे में, तो यदि आपको टोन्सिलाइटिस हो गया है उसमें भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात करते हैं टोन्सिलाइटिस क्या होता है, तो टोन्सिलाइटिस हमारे गले में होने वाला दर्द होता है, तथा हमको खाने पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बात करें हम इसके अगले प्रयोग के बारे में, तो यदि आपको टाइफाइड का फीवर हो गया है तो उस टाइफाइड के बुखार में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें इसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसके और यूजर्स के बारे में, तो यदि आपको किसी भी प्रकार का सर्जरी हुआ है या टाँके चले हैं तो उस घाव और टाँकों को सुखाने के लिए आप इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात करें हम इसके अगले प्रयोग के बारे में, तो यदि आपके दांतों का रूट हुआ है या दांत निकाला गया है, तो दांत निकालने के बाद से घाव हो गया है, तो घाव और टाँकों को सुखाने के लिए या पस आ रहा है तो उसको भी सुखाने के लिए आप इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले प्रयोग के बारे में,
तो यदि आपको किसी भी प्रकार से अंदरूनी चोट लग गया है और चोट न लगने के कारण खून जम गया है तो उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपका जो चोट लगा है वो गूद गया है तो इसमें भी आपका इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। अगर बात करें इसके अगले प्रयोग के बारे में, तो यदि आपके कानों में इन्फेक्शन है तो कान के इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए आप इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बात करें हम इसके और इसके बारे में, तो यदि आपको किसी भी प्रकार से फोड़ा हो गया है, फुंसी हो गया है, अब बहुत ज़्यादा खुजली के कारण फोड़ा हो गया है, तो उसे सुखाने के लिए भी और ठीक करने के लिए भी आप इस टैबलेट का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके लेने के सही तरीका और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। अगर बात करें इसके लेने के सही तरीका के बारे में, तो इसका डोज जो कि एडल्ट एज ग्रुप में हम एक गोली सुबह एक गोली शाम को खाना खाने के बाद से दे सकते हैं। यदि कोई बच्चा है जो कि 12 साल से और 6 साल के बीच में है, तो हम उसमें आधी गोली सुबह और आधी गोली शाम को खाना खाने के बाद से दे सकते हैं। अगर बात करें हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो ये दवा लेने के बाद से यदि आपके पेटों में दर्द होने लगे या उल्टी जैसा मन करने लगे, तो उस समय आप इस दवा का प्रयोग बंद करके अपने डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही आप इस दवा का प्रयोग करें। तो यही था वन क्लेप 625 mg टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।